वापिस आ जा। ठीक है, एक दूसरे को चेंज कर दिया इन्होंने। क्या है तस्करी, कौन सी तस्करी? सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित, तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं पुलिस सिम 2022 बाय ओविलेक्स सॉफ्टवेयर। ओविलेक्स की तरफ से फाइनली ये गेम रिलीज कर दिया गया। बहुत बड़ा साइज़ है गेम का और लिटरली कई डिवाइसेस में ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। मैंने गूगल पे जाके बहुत सारा जो उसके रिव्यू थे वो पढ़े थे। 1000 लोगों ने जब डाउनलोड किया था तो 3.9 स्टार गेम को मिला था और बहुत ज़्यादा लोगों ने यही कमेंट किया था, गेम इज़ नॉट ओपन। सो क्या आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताना। 0.91 GB का ये गेम है गाइस, बहुत बड़ा साइज़ में गेम है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम अभी ग्राफिक वगैरह सब हाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा और मज़ा आ जाए। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी ऑन कर लेते हैं और सारी सिस्टम वगैरह हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, ये चैलेंजेस आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे इन सारी चीज़ों का। यहाँ पर आपको फ्री राइड का भी ऑप्शन मिल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं अंडर कवर बन के भी, और यहाँ पर आप कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, और यहाँ पर आप नेशनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं जो आप चाहे आप बन सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ चाइनीज, सो मैं यहाँ पर अपना नॉर्मली रखूँगा अमेरिकन ड्रेसअप। मे बी इन फ्यूचर आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर करियर मोड में आपको और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मल्टीप्लेयर अभी हम नहीं खेल रहे, हम कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, इसके फेशियल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लॉक है अभी, ये देखो यार, पर ये लॉक है लेकिन आप पैसा देकर इसे कर सकते हैं अनलॉक। और ये तो भाई साहब बहुत सही है, लेवल 7 पर जो है अनलॉक होने वाला है ये सारे कैरेक्टर्स। तो अब हम इन्हें ही सिलेक्ट करते हैं, नेशनैलिटी यही रखते हैं USA। ओके, इस बार हम अंडर कवर एजेंट बन के जाते हैं। और यार लुक एट दिस ग्राफिक, यार मुझे ग्राफिक बहुत ज़्यादा पसंद है इस गेम के। तो अब हम यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, पता नहीं इन लोगों ने अलाउ किया होगा नहीं, आई मीन क्या लिखे हम, गुरुजी ये सही रहेगा, गुरुजी ठीक है। ओके चलो अब अंडरकवर एजेंट की तौर पर काम किया जाए। सो इस बार हम जो है जाने वाले हैं कहीं और, लॉस एंजलिस नहीं गए हमने तो लॉस एंजलिस चलते हैं। जी सिस्टम भी करना है आपको, टो करवानी है, गाड़ियाँ टो करवानी है, जो ससुरे ऐसे बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं सुपर कार वगैरह, उनको भी ससुरा हमें पकड़ना है, बहुत मेहनत से पकड़ना है इन लोगों को भी। सो बहुत सारा काम है आज, लेट्स सी क्या कुछ जो है लेवल 7 हमको देखने को मिलता है। गेम को कैसे बनाया गया पता है कि दोस्तों, कि गेम में आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यार ओपन वर्ल्ड जैसे ही गेम है। तो यहाँ पर हम यही सिस्टम रखेंगे, तो हम कंट्रोल में और कोई चेंजेस नहीं, कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, बढ़िया स्मूथ कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। हम अंडर कवर एजेंट है तो हमें ध्यान रखना है, टैप ऑन द मिनी मैप, फॉलो द मिनी मैप पाथ एंड ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करनी है। तो हम ये देखते हैं कि ये कैमरा वाला क्या सीन है, फॉलो करना है किसी को, स्टेक आउट फगीटिव और टायर। सो हम ये फॉलो करने वाला मिशन लेते हैं, ठीक है ओके। फॉलो सस्पेक्ट फ्रॉम 40-60 मीटर अवे, फॉलोइंग क्लोजर फर्दर अवे टू लॉन्गर विजन मिशन फेल। ओके, हमें ध्यान रखना है कि हमें नज़दीक नहीं जाना ज़्यादा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है कि जो इसके ग्राफिक है ना, ग्राफिक ट्रैफिक के वो थोड़े बहुत मुझे अजीब लगे, तो ये पता नहीं ऐसे क्यों चला रहा है, मुझे नहीं है आइडिया इसका। ओके क्या चला रहा है भाई, पीके चला रहा है क्या,
नहीं यार, ऐसे तो चलाएगा तो ये भाई जल्द ही आगे डूब जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भी गेम में काफ़ी ज़्यादा हद तक बोला जाए तो यहाँ पर जो है फॉल्ट नज़र आ रहा है मुझे। देखो ये लेवल यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत हद तक ये मिशन अनसक्सेसफुल ही रहेगा, मुझे ऐसा ही लगा, जब तक मैं इसे सीधा नहीं कर लेता। चल भाई अब जा भी ससुरा, इतना तो मेहनत मैंने किसी को भगाने के लिए नहीं किया जितना इसको कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो सीट बेल्ट भी नहीं बांधी है। चलो इसको अब कैंसिल करना होगा हमें। पर ये लास्ट ट्राई होगा मेरी तरफ से इस बंदे को निकालने का। मुझे यार, मैं एज ए पुलिस अंडरकवर एजेंट, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। छे, काफ़ी बुरा फंस रहा हूँ, मेरी गाड़ी भी टूट रही है इसकी वजह से। मैं अब इसको नहीं बचाने वाला, मैं कुछ और देखने वाला हूँ आसपास। अब यार ऐसा है कि ये लेवल अब मुझे नहीं लगता कंप्लीट होगा, क्योंकि ये स्टक हो गया है पूरी तरह से। तो हम अब फिर से मेन्यू में जाएंगे, कैंसिल मिशन अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, तो यस। तो यही मैं ढूंढ रहा था कि कैंसिल मिशन का ऑप्शन आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास है फगीटिव। फगीटिव में क्या होता है देखते हैं, नज़दीक ही है तो देख लेते हैं फगीटिव में क्या आता है। स्टीयरिंग व्हील का ऐसे मतलब यार सेंसर वगैरह बहुत ज़्यादा सही है। वापस उसी जगह पर है, आई होप सो कि यहाँ पर इस बार कंप्लीट हो जाए, ऐसे मतलब यार फिर से दिक्कत वाला सीन ना हो जाए। ओके, अब तो ठोकना ही है, ठीक है कोई बात नहीं। वाइट कार है, सफ़ेद गाड़ी तो मुझे बहुत पसंद आती है। ओ भाई सफ़ेद गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है, स्पोर्ट मोड पे करना होगा। जब बीच में से हट जाओ, ये कहाँ भाग रही है सर, कहाँ भगा रहा है भाई। अरे रुक रुको जा, कहाँ भागोगे भाई। ये तो भाई क्या एक बारी में इसके टक्कर ठोक दी वह। अरे उसने ठोक दिया उस, ओ भाई इसको लगी तो नहीं, एम्बुलेंस भी आ गई कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ फंस गई, ऐसा मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लाओ यार। भाई हमें जाने दो, हमें काम है यार बहुत सारा। उसने गाड़ी भी ऐसी जगह पर फंसाई है ना, इच्छा नहीं हो रही कि मैं, अच्छा फंस भी गए। ओके चाचा भाई, आप अपना हाथ जो है पीछे कर रखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इंटरनेट ऑन रखेंगे तो कुछ ऐसे सीन आपको देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, अब फिर से हमें जो है सस्पेक्ट वाला सीन है तो वो हम नहीं करेंगे। अब इस बार हम जो है फगेटिव फॉलो कर दिया है। स्टेक आउट एक अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि वो हमें जाना चाहिए। तो हम जैसे ही मैप पर क्लिक करेंगे ना,
तो हमें स्टैक आउट का पूरा दिख जाएगा कि कहाँ पर हमें जाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही जाना है तो दिक्कत है ही नहीं। ओहो हो ससुरा अभी स्टिल, मुझे ट्रैफिक का जो ग्राफिक है ये सही नहीं लग रहा यार। स्टिल उनको थोड़ा और काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ग्राफिक ट्रैफिक का भी अच्छा होगा तो मज़ा आएगा गेम का। हमारा तो ग्राफिक अच्छा ही है, हमें पता है, लेकिन अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, हम पुलिस वाले यार। ओके, ऑब्जर्व द एक्सचेंज एंड टेक अ फोटो व्हेन प्रॉम्प्टेड, आफ्टर दैट एक्सचेंज यू कैन लेट हिम गेट अवे, स्टार्ट फॉलो द मिशन। ओ वाओ, बढ़िया मिशन है, हमें टेक फोटो करना है। वापिस आ जा, ठीक है। एक दूसरे को चेंज कर दिया इन्होंने। क्या है तस्करी, कौन सी तस्करी। कहाँ गया। ओ भाई वो गाड़ी लेकर भाग गया, तो ये बढ़िया था। पर कहाँ भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है क्या। जैसे मैंने हॉर्न बजाया इसकी, भाई बज गई, लग गया उसको कोई। अब यहाँ पर हमारे आटे, ओके हमने पकड़ लिया इसको बढ़िया से। तो हमने ये मिशन भी कंप्लीट कर दिया। ओके, अब ये मिशन है टायर वाला, देखते हैं इसमें क्या होता है। रूट्स बहुत बढ़िया है इस गेम में, सच बता रहा हूँ। अलग अलग रूट्स है, एकदम GTA 5 वाला फील आ रहा है। आप बाहर भी निकल सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, तो वो भी आपको सीन देखने को मिलता है। सारी चीज़ें भाई, सायरन बंद हो जाए यार, दिमाग ख़राब हो जाता है सायरन को सुनते सुनते मेरा। आता तो मैं पता नहीं नींद में ही चला रहा हूँ आज सुबह सुबह, समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाऊं। गलत, देखो यार यहाँ पर हम पुलिस वाले बने हुए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। रेड लाइट तो जंप एटलीस्ट कर ही सकते हैं हम। बहुत दूर वाला टायर वाला जो मिशन है वो यूज़ कर रहे हैं। स्टिल मुझे स्टेयरिंग व्हील में ऐसा करना होगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है, और यहाँ पर मुझे बहुत छोटी छोटी गलियाँ, एकदम GTA 5 की तरह मुझे ये लग रहा है। हाँ थोड़ा ग्राफिक्स कम है, लेकिन फील तो वैसे ही करवा रहा है ये। चलो भाई आ गया, चलो ठीक है यार, अब हम आ चुके हैं, ये लास्ट वाला मिशन है। ऐसे आपको बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने हैं बाद में, कैरेक्टर्स ओपन करने हैं गेम में, ठीक है। ये वाला थोड़ा ऐसे अलग सा लग रहा है, लेट्स सी क्या है। गिराज, बेटर कार नीडेड, भाई हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ये तो XUV वगैरह है भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बोला कि आप रहने दीजिए, आपका काम नहीं है। तो ये गेम एज अ पुलिस भी आप खेल सकते हैं ना, तो अब हम देखते हैं। एज अ पुलिस में आपको बहुत अलग अलग फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम नाइट ड्राइव करेंगे, पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे रेन मोड वगैरह ऑन है या नहीं गेम में, ये इम्पोर्टेंट है। गेम में रेन वगैरह होगा ना तो मज़ा आएगा अलग वाला, ठीक है।
तो यहाँ पर सारे सेटिंग्स सही है। ओके तो अब हम नाइट में ड्राइव करेंगे। फर्स्ट टाइम एवर मैं कभी नाइट में ड्राइव नहीं किया है इस गेम में, तो हम नाइट में ड्राइव करेंगे। जो सिटी इस तरह लग रही है सच में बहुत ज़्यादा फैबुलस है। सिलेक्ट मिशन फ्रॉम द मैप, आप आसानी से मैप पर से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मिशन को, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अगर आप मैप पर से सिलेक्ट करें। आई होप कि बारिश वगैरह हो बढ़िया से। ओह भगवान ने मेरी सुन ली यार, बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा सही से। और यहाँ पर बारिश में बात की जाए गेम के लुक की तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाल फिलहाल हम यहाँ पर है, हम एक ये मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। भाई बहुत दूर जाना है, क्यों ना मैं पीछे से चला जाऊँ, पीछे से जा सकता हूँ, बहुत दूर है ये भी। ये पार्किंग इशू बहुत चल रहा है तो वो कंप्लीट कर देते हैं, बाद में वो वाले जो है मिशन को जाते हैं। हम निकल भी सकते हैं, पर ऐसे मैं सोच रहा था GTA की तरह निकलूं, पर नहीं निकल पा रहा। और छाता लेकर घूम रहे लोग, क्या बात है, बढ़िया। ये पार्किंग वाला मिस, अरे भाई बेशरम आदमी। मैं रॉन्ग साइड निकाल रहा हूँ भाई, बहुत काम है आज। पार्किंग में किसने लोचे किए हुए देख लेते हैं। बहुत सही लग रही है सिटी, तो इंटीरियर व्यू कुछ इस तरह का है। मैं आपको कब से बाहर का ही दिखा रहा हूँ क्योंकि बाहर से थोड़ा और अच्छा लग रहा है। पार्किंग इशू यहाँ पर किसका है देख लेते हैं। ओके ओके ठीक है, ये मिशन भी सही है। नो हैंडीकैप मार्किंग, ओके उठा लेते गाड़ी अब। और तो क्या भाई, तूने हैंडीकैप मार्किंग नहीं है ना ही कुछ है, और तूने भाई ऐसा किया, गलती कर दी तूने भाई। वो भी राजवीर के होते हुए कोई भी गलती हो नहीं सकती किसी भी जगह पर। ठीक है उठवा ली मैंने, इस गाड़ी को स्कैन कर लेते, देखते इसमें कोई इशू है। ओके ऑल डन। तो पहली कार थोड़ी ऐसे इशू, वार्निंग पार्किंग टोल नॉट पेड, तो हम सिर्फ वार्निंग कर देते हैं, ज़्यादा हम कुछ करते नहीं इसके लिए। इसका क्या सीन है भाई, ठीक है सही है, गाड़ी जब ग्रीन आएगा तो मतलब वो गाड़ी सही है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई वार्निंग हम इशू करवा देते, ज़्यादा कुछ नहीं करते ऐसे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी रूड होना ज़रूरी नहीं है। इन लोगों ने पार्किंग की दिए ही नहीं किसी ने भी, सब फ्री में चाहते हैं कि सबको फ्री में मिले। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके यहाँ पर ये गाड़ी भी मुझे डाउटफुल लग रही है दोस्तों कि इसमें हैंडीकैप का मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे लग रहा है इसे भी उठवा दूँगा मैं तो। सही है ठीक है दिक्कत नहीं है, बहुत सही ग्राफिक लग रहा है ना। अरे उस साइड देख, ठीक है तो ये मिशन हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ सही थी, सिर्फ एक गाड़ी को छोड़कर, तो उसका मैंने टोल वगैरह इशू कर दिया और एक को तो उठा ही लिया मैंने। अब एक और मिशन आया है एस्कॉर्ट का, ये एस्कॉर्ट वाला मुझे देखना है कि क्या होता है एस्कॉर्ट में, तो हम चलते हैं यार नज़दीक ही है। ये
देखते हैं इस कोर्ट में हमें क्या करना होता है। और गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, सही में जा, गलत में जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यार भाई अलग इंसान है, हम रिवर्स में भी जा सकते हैं। एस्कॉर्ट में हमें करना क्या होता है कि हमें कोई, हाँ देखो यार यहाँ पर पैसा वगैरह का सीन चल रहा है, तो हमें एस्कॉर्ट करना है बैंक के व्हीकल को। पर इसके लिए भी हमें बेटर कार के ऑप्शन की ज़रूरत है, और जो हमारे पास नहीं है। आई होप कि हम जल्दी से जल्दी कोई नई कार वगैरह ख़रीद लें। सो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना, ये गेम कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड।